okay Assalamualaikum okay, everyone and welcome to our first lecture uh, in this current affairs crash course uh, for this particular lecture i've chosen the topic of taliban rule in afghanistan and its implications for the region so taliban rule kajouhhe context again i'm going to put it there so 2022 ke exam can there be kafi relevant they can us particular exam can in this particular 2023 ke exam can there be -ke relevance to a is angle say i go different ho chuka hai. तब जब 2022 का एग्जाम था तब इसकी रेलेवेंस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ से आ रही थी किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को उस तरफ से आ रही थी लेकिन अब जो 2023 का एग्जाम है उसके अंदर इसकी रेलेवेंस थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है इन सब चीज़ों के साथ ऊपर भी मैं आपके साथ लिंक्स शेयर करूँगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेस्ट के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प कर सकती है लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर Uh, हम लोग जो हमारा फोकस होगा वो प्राइमारी सिक्योरिटी एंगल से होगा कि अफगानिस्तान uh, जो तालिबान रूल है इन अफगानिस्तान हाउ इज़ दैट इंपैक्टिंग दी सिक्योरिटी डाइनमिक्स ऑफ द रीजन इट्सल्फ स्पेशली विद कॉन्टेक्स टू पाकिस्तान क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी आपको आ सकता है करंट अफेयर्स के अंदर भी आ सकता है इवन इट इज इट हैज सच स्कोप कि ये आपको इंग्लिश एस के अंदर भी आ सकता है तो हम लोग uh, जो है इसको सिक्योरिटी एंगल से इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखेंगे uh, साथ ही साथ में कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा विच आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसको डू गो थ्रू दोज बिकॉज देर रिकमेंडेटरी रीडिंग्स वो आपके नॉलेज के अंदर और इजाफा करेंगी ठीक है सो लेट्स बिकेन सबसे पहले हम लोग एक बर्ड आई व्यू देख लेते हैं जैसे कि मैंने कहा कि इसकी कंकरेंस जो रेलिवेंस है हम लोग अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अभी का अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको न्यूज से ही पता चल जाएगा कि इट्स मोर और लेस सिक्योरिटी रिलेटेड टेरर टैक्स की बात होती है पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात होती है टी के राइज की बात है तो ये सब एंगल्स हैं जो कि अभी अफगानिस्तान के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी किलोमीटर्स लॉन्ग विद अफगानिस्तान तो उस कॉन्टेक्सट uh, में पाकिस्तान शेयर्स ह्यूज बॉर्डर विद अफगानिस्तान और सबसे बड़ी इसका है वो चीज़ ये है कि दिस बॉर्डर इज वेरी पोरस ठीक है आपकी जो ट्रेन है यहाँ पे माउंटेन्स आ जाते हैं आपके पास आपके पास uh, ऐसी है यू नो इट्स इट्स डिफिकल्ट टू नॉट ओनली नेविगेट बट ऑल्सो टू मोनिटर तो इस वजह से जो एक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है दैट इज कंसिडर टू बी समथिंग दैट्स वेरी पोरस तो इतना लंबा पोरस बॉर्डर अगर हो आ, किसी कंट्री के साथ तो वहाँ की जो आपकी यू कैन से सोशो पोलिटिकल सेटअप है दैट डज इम्पैक्ट सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन योर कंट्री तो इस वजह से पाकिस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है दैट इज़ बोथ देर आर कल्चरल लिंक्स एंड इज हिस्ट्री बट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरट्वाइंड इसके ऊपर ओबामा की कोटेशन हम लोग अगर देखें तो ये आ जाती है कि द फ्यूचर्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टुगेदर ये फॉर्मर यू एस प्रेजिडेंट Obama है उनकी कोटेशन है और इसका मत, मतलब और इसका मकसद ये कहने का है कि जो चीज़ें अफगानिस्तान में हो रही होती हैं जो चीज़ें अफगानिस्तान फेस कर रहा होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर आता है सो इफ़ देर इज़ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इफ़ देर इज़ राइज इन टेररिस्ट एक्टिविटी इन अफगानिस्तान तो उसकी इंप्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर आएंगी और उसका मेजर रीज़न अगेन यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक तो लंबा बॉर्डर है और साथ ही साथ इट्स अ पोरस बॉर्डर तो ये चीज़ आ, आ, आपकी प्ले आउट करती है इन आर इन आर डायनामिक विद अफगानिस्तान सो हमारा जो मेजर फोकस uh, होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए वो यही है कि पाकिस्तान के एक्चुअल कंसर्न्स क्या हैं व्हेन इट कम्स टू तालिबान रूल इन अफगानिस्तान कि पाकिस्तान को क्या uh, जो क्राइसिस है ऑफ ऑफ क्राइस हैोलिटिकल नेचर इन अफगानिस्तान उसके ऊपर पाकिस्तान के क्या कंसर्नज आते हैं सबसे पहला तो जो मेजर कंसर्न है वो सिक्योरिटी है अगेन क्योंकि देर सिंस राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान देर हैजिन इन बॉर्डर क्लाशेज इन पाकिस्तान मतलब देर हैज बिनसिडरेबल राइज जिसके अंदर हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे uh, अफवाज की उनके साथ लड़ाई हुई है उसके साथ ही साथ देर आर रिसर्जन टी टी पी एंड आईसिस खुरासान तो जो टेररिस्ट टेरिस्ट आउटफिट्स हैं दैट इंपैक्ट पाकिस्तान स्पेशली टीटीपी बिकॉज इट ऑपरेट्स इन पाकिस्तान तो वो चीज़ की एक आपको रिसर्जेंस नजर आई है आफ्टर दी तालिबान रूल इन अफगानिस्तान जिसकी वजह से देर तो सबसे मेजर जो कंसर्न पाकिस्तान का है तालिबान रूल के uh, हवाले से तो वो सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि एक सवाल आपको आ सकता है कि वट आर दंसर्न फॉर पाकिस्तान विद टू तालिबान रूल इन अफगानिस्तान हाउ वट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इट तो उसके अंदर आप ये ये पॉइंट उसके अंदर मेंशन करेंगे कि कि एक 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 तो तो सबसे पहले पहले सिक्योरिटी कंसर्न 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 है 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 दूसरा मेजर आपके ड्रग ड्रग ट्रेड ट्रेड और का है जो गन कल्चर आ जाता भी भी जब कंट्रोल था उधर अफगानिस्तान में तो तब पाकिस्तान को काफी यह था तो कि यहाँ पे काफी यही तो होता पे अपनेल्टीपल इंसिडेंट जहां बॉर्डर्स कि जो फेंसिंग है उसको काट दिया गया है या फिर उसके थ्रू ही किसी ना किसी तरीके से देर हैज रिसर्जेंस ऑफ ड्रग एंड आर्मेंट रिंग्स इन द कंट्री और उनकी ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए हैं तो ये कस्टम्स के आपके हकाम के काफी स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आ चुकी हैं कि किस तरह से ड्रग ट्रेड दोबारा रिसर्जेंस में है इन पाकिस्तान साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी हैं ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के ऊपर अगेन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंसर्निंग हैं इन अफगानिस्तान रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी रिलेटेड टू फीमेल एजुकेशन रिलेटेड टू पावर्टी रिलेटेड टू वायलेंस इथ तो ये चीज़ें विल हैव अ लुक एट इन आर ग्रुप इथ तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान वो तो यही है कि सबसे पहले तो उधर पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा मसाला है और जहाँ पे पॉवर्टी होती है वहाँ इवेंचुअली वायलेंस और टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो लाइक ए सेट कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फेट है दैट इज़ इंटरट्वाइंड तो अगर उधर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो उसके जो स्पिल ओवर अफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी आ जाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हैं उसके बाद जो है पाकिस्तान करिए फीमेल एजुकेशन के ऊपर जो बार उन्होंने किया है अफगानिस्तान में वो एक कंसर्निंग चीज़ है दैट्स अ मॉरल मॉरल ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखें तो इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान उसके साथ, -साथ

Uh, और उनके साथ उनके लिंक्स इस तरह से थे कि दे वर डूइंग यू नो हाइब्रिड वॉरफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान दे वर डूइंग सबमर्सिव एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया है कि तालिबान इथ सेल्फ इज ऑल्सो इंगेजिंग विद इंडिया और उनके उनकी इंगेजमेंट बायोलैटरल ट्रेड में है उनकी रिजर्व एड uh, के ऊपर है तो जो प्रॉक्सिमिटी uh, है तालिबान की विद इंडिया दैट इज़ एवर इंक्रीजिंग Oh, that is again very concerning for pakistan because of the uh, because of the sandwich theory that pakistan the west or east borders is beach pakistan होस्टेल स्टेट्स हों तो पाकिस्तान विल बी इन बिटवीन दम तो सैंडविच थे यहाँ पे दोबारा एक आपकी रेलिवेंस uh, आ जाती है इवन आफ्टर द राइज ऑफ तालिबान रूल इन अफगानिस्तान तो ये चार फैक्टर्स आर दी मोस्ट कंसर्निंग इसके अलावा मैं आपके साथ अभी जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा उसमें भी फर्दर डिस्कस कर लेंगे लेकिन uh, आपको मैं कुछ लिंक्स भी शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको बेहतर तरीके से जो पाकिस्तान के कंसर्न हैं वो समझ आ जाए अब एक फैक्ट शीट पे आ जाते हैं जिसके अंदर हम लोग स्टेटिस्टिक्स मैंने जैसा कि आपको uh, कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा

फाइटर्स ऑफ टी टीपीडिंग इन अफगानिस्तान तो ये भी एक कंसर्निंग स्टेटिस्टिक है अब क्योंकि करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है तो अगर आपके पास काफी रिसेंट स्टिक्स हों तो वो डू हेल्प आउट इन स्कोरिंग अभी येस्टरडे ही कल ही पाकिस्तान Pakistan ने पाकिस्तानी पुलिस ने ऑलमोस्ट फाइव टेररिस्ट अरेस्ट किए हैं फ्रॉम द पंजाब प्रोविंस तो उनकी प्रेजेंस आप देख सकते हैं कि इट्स इंक्रीजिंग इट्स देयर एंड इट्सिंग तो पांच टी टी पी टेरिस्ट फ्रॉम द पंज प्रोविस्व बिन अरेस्टेड

स्तान so sort of uh, तो ये हम लोगों ने इसको इन uh, एंगल से देख लिया की सिक्योरिटी एंगल क्या आता है इसमें अब इसी सिक्योरिटी एंगल का अगर हम लोग वे फॉरवर्ड देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान नेविगेट कर सकता है अपना रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान तो uh,